खरगोन जिले की तहसील सेगावा नगर में चारों ओर श्रावण माह के पुनीत पावन पर्व पर शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान महादेव को मनाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। नगर में एक जायसवाल परिवार ऐसा भी है जो पिछले 18 वर्षों से श्रावण में पूरे माह पार्थिव पूजन कर रहा है। गृहिणी ममता ओम प्रकाश जायसवाल अल सुबह से दोपहर तक मिट्टी के कण कण से हजारों गोलियां बनाकर शिव परिवार का निर्माण करती है। इसमें उसके परिवार का छोटे से लेकर बड़ा सदस्य तक साथ देता है। दोपहर को सभी परिवार सहित मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, जो दोपहर 3 बजे तक चलता है। पार्थिव पूजा को लेकर पंडित माधव दुबे सेगांव और पंडित लोकेश गांवसिंदे ओझर बताते हैं कि कलयुग में शिव पूजन में पार्थिव लिंग पूजन का विशेष महत्व है। श्रावण मास को शिव का माह माना जाता है, इसलिए इस माह में पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन का विशेष पुण्य शिव भक्तों को मिलता है। कलयुग में सबसे पहले पार्थिव पूजन कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया। प्रभु के आदेश पर जगत के कल्याण के लिए उन्होंने पार्थिव लिंग बनाकर शिव अर्चन किया। उन्होंने बताया कि शिव अर्चन के दौरान उत्तराभिषेक होकर पूजन करें, रुद्राक्ष धारण कर भस्म लगाए, भस्म नहीं मिलने पर मिट्टी का त्रिपुण माथे पर लगा सकते हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। पार्थेश्वर पूजन जहाँ कहीं भी होता है वह स्वयं स्थान तीर्थ के तुल्य हो जाता है। जिस प्रकार से राम जी ने पार्थेश्वर किया था, रामेश्वर में स्थापना की थी शिवलिंग की और वह पार्थेश्वर के नाम से प्रचलित हुआ, इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया जाता है वह स्थान स्वयं जो है तीर्थ बन जाता है। जैसे रामेश्वर में बना हुआ है वैसे हर स्थान तीर्थ तुल्य होता है। इस पार्थेश्वर का पूजन नर्मदा तट पर करने का विशेष फल दिया गया है, नदी के तट पर इसका विशेष फल दिया गया है, गौशाला में करने का और भी विशेष महत्व दिया गया है। इस पार्थिव पूजन को करने से रोग दोष आदि का शमन होता है, जिससे भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है और मोक्ष मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।